सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाई नेक कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम छोटा छोटा सा हमने मटेरियल लिया हुआ है, काफी मटेरियल होगा, लेकिन अगर रेंज वाइज बात करें तो बड़ा ही सस्ता मटेरियल होगा। और ये हमने कुर्ती का फ्रंट बैग लिया हुआ है, नीचे की साइड बैक साइड होगी, ऊपर हमारा ये फ्रंट होगा जिसमें हम बहुत सुंदर सा डिजाइन तैयार करेंगे। दो हमने कपड़े लिए हुए हैं, दो कलर वाले, एक हमारा पैंट वाला कपड़ा होगा, एक हमने यहाँ पे मैचिंग करते हुए ये कपड़ा लिया हुआ है, और दो एक गोटा पत्ती ली हुई है, ये भी हमने 20 रुपये का कुल टोटल मटेरियल लिया हुआ है, और एक ये लेस ली हुई है, लेस है हमारी 60 रुपये की। तो तकरीबन 70 से 80 रुपये के खर्च में हम बहुत ही सुंदर सी आज आपको कुर्ती बना करके दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे ये फ्रंट से मैच करते हुए सारा मटेरियल लिया हुआ है। सिर्फ हमने जो गोटे का काम करना है वो अलग कलर का करना है, वो भी हमारा सेम यहाँ पे स्किन कलर वाला मैच करेगा। लेस हमने एक नंबर डार्क ली है, और यहाँ पे दोनों साइड हमारे मैच करते होंगे, नीले वाला भी और ये कलर भी, दोनों कलर हमारे यहाँ पे मैच करते होंगे। तो यहाँ पे हाई नेक कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमें कटिंग करनी होगी हल्ले की, जिसको हल्ले की कटिंग बोलते हैं, वो कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड को अलग रख लेते हैं क्योंकि बैक हमें ज्वाइंट करते समय ही यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हल्ले की कटिंग दोस्तों जो हमें ब्रॉड लेंथ रखनी होती है वो रखेंगे हम यहाँ पे 2.75 इंच, और जो डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंच। यहाँ पे इस प्रकार की राउंड शेप दे देते हैं और इसी राउंड शेप के ऊपर यहाँ पे कटिंग करते हैं। अब हमें ऊपर की साइड 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए नेक डीप देखना है, नेक डीप हमें कितना रखना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7.5 इंच, और इस 7.5 इंच से यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से वी बनाएंगे ऐसे, और इसकी भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने कटिंग की है उसकी शेप हमारी इस प्रकार से आएगी, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है, हमें पाइपिंग बनानी है, एक पट्टी वाली पाइपिंग बनाएंगे जो कि हम नीले कलर वाले कपड़े में से बनाएंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कपड़ा लेंगे ओरेव वाला, इसमें आप सीधा आटा भी ले सकते हो, ओरेव भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने सीधा ही लेना है या आटा ही लेना है, आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने पट्टी सीधी कर लेनी है एक साइड से, कपड़े को सीधा करने के बाद उसके बाद तकरीबन हम यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि एक बार में ही हम गोटे का काम कंप्लीट करेंगे। ये हमने पट्टी कटिंग कर ली है, इसके ऊपर हमें गोटे का काम करना है। तो सबसे पहले हम गोटे का काम करना सीखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा हम यहाँ पे इस पट्टी को कैसे अटैच करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें गोटे का काम करना है ऊपर की साइड पट्टी के ऊपर। तो ये हमने जैसे 5 इंच चौड़ाई वाली पट्टी ली है, इसके एक साइड में हम पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि जब हम यहाँ पे गोटा लगाएंगे तो इसमें सलवट ना आए, सफाई से ये अटैच कर पाए। यहाँ पे दोस्तों पट्टी के ऊपर जब गोटा अटैच करते हैं तो हम इस तरीके से और रिब में करते हैं, रिब में ऐसे। अब हमें बराबर गैप रखते हुए फिर से इस तरीके से यहाँ पे अटैच करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो पट्टी अटैच की है, मैं आपको एक पट्टी और अटैच करके दिखाता हूँ। आपने जो मार्जिन रखना है, गैप रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है,
और सेम इसी तरीके से आपने पूरी लंबाई वाली पट्टी के ऊपर गोटे को अटैच करना है। तो सेम इसी तरीके से आगे की साइड इसको पूरा कवर कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने पूरी पट्टी पे डिजाइनिंग वाला गोटा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हमने इसके बीच में से दो पीस करने हैं, तो सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है, सेंटर में से ऐसे हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे दो पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है इस तरीके से कटिंग करते हुए। अब इनको हम डबल फोल्ड ऐसे कर लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक पैर चौड़ाई वाली। दोनों पट्टी दोस्तों हम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों पट्टी यहाँ पे एक साइड में सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर ली हैं ऐसे। अब हम यहाँ पे एक पट्टी सबसे पहले अटैच करते हैं फ्रंट में। जैसे जैसे डिजाइनिंग बनती जाएगी फिर हमारी दूसरी पट्टी का भी नंबर आएगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमें गला तैयार करना है तो एक पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जितना हमें मार्जिन लेना होता है, जितना यहाँ पे हमें नापना होता है, जैसे हमें यहाँ पे आधा इंच से एक सूत ज़्यादा निशान लगाना है ऐसे यहाँ पे, तो हमें इतना ही यहाँ पे गैप लेना होगा इस तरीके से। और यहाँ पे डीप देख लेते हैं कहाँ तक हमें यहाँ पे डिजाइनिंग तैयार करना है। जैसे हमें डिजाइनिंग यहाँ पे तैयार करेंगे तकरीबन 12.5 इंच तक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी ये सिलाई आनी चाहिए जो हम यहाँ पे अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे, इस पॉइंट पे आनी चाहिए ताकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आए दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे बराबर गैप रखते हुए ऐसे, और इस इतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी पट्टी एक्स्ट्रा रखते हैं और कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, फिर से मैं आपको समझा दूं क्योंकि ये चीज़ समझने वाली होती है। यहाँ पे जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो सेंटर तक हमारा यहाँ पे ये आना चाहिए, इधर की पट्टी ये सेंटर तक आनी चाहिए। तो जितना हमने इस साइड में मार्जिन लिया है सेम उतना ही मार्जिन हम दूसरी साइड में पट्टी को लगाते हुए लेंगे। पट्टी यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से रखेंगे, बराबर गैप रखेंगे ऐसे, और बिल्कुल सीधा पॉइंट होना चाहिए हमारा यहाँ पे ये पट्टी लगाते वक्त। यहाँ पे दोनों साइड हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब सेंटर से ऐसे कट करेंगे और तकरीबन 1 इंच पहले ही इसको यहाँ तक कट कर लेते हैं। अब हमें दोनों साइड से यहाँ पे उठानी है इस प्रकार से, और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस कट करेंगे सिलाई के नज़दीक तक, दूसरी साइड में भी ऐसे। अब हम इन पट्टियों को
इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं अंदर की साइड ऐसे, जैसे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे सेंटर पे हमारी इस तरीके की डिजाइनिंग कंप्लीट आएगी, जो कि ये यहाँ तक मिली हुई होगी और आगे हल्का सा कट होगा जो हमने कट डाला था, तो ये इस प्रकार से आएगी। अब हमें दोस्तों यहाँ पे ऊपर से सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं ऊपर की साइड से। आपने यहाँ पे एक पैक चौड़ाई वाली सिलाई लगा लेनी है। यहां से बिल्कुल सीधा रखेंगे। सेंटर पट्टी हमारी यहां पे ये तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों हमें जितना भी गला डीप रखना है उतना हम यहाँ पे निशान लगाते हैं इस प्रकार से, और ये हम गैप कवर करते हैं क्योंकि ओपन तो हमें छोड़ना नहीं है। तो इसको कवर करने के लिए हम नीचे की साइड एक कपड़ा रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस पॉइंट तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक दोस्तों हमारा गला ये मिला हुआ होगा, उसके बाद हल्का सा यहाँ पे ऊपर की साइड कट आ जाएगा। कपड़ा हमें थोड़ा बड़ा लेना है ताकि हमारी बाहर वाली सिलाई से ही ये अटैच हो जाए। प्रकार हमने नीचे की साइड पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से लेस रखनी है और यहाँ पे अटैच कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने जैसे कंप्लीट कर लिया है, तो बाहर की साइड हमने एक निशान लगाया है। ये निशान हमने नीचे की साइड जो चौड़ाई रखी है वो रखी है तकरीबन हमारी 6 इंच की होगी, और जो ऊपर रखी है हमने 7.5 इंच की। तो यहाँ पे हमें ये पट्टी अटैच करनी है, ये वाली इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे इस प्रकार से ऐसे रखते हुए। और यहाँ पे हमें एक काम और करना है, जो हमने दूसरा कलर यूज करना है यहाँ पे, ये वाला कलर यूज करना है। तो इसके हमने इस तरीके से ट्रंगल शेप के पीस तैयार किए हुए हैं, तो इनको भी हम अटैच करेंगे और यहाँ पे पट्टी को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं निशान के साथ साथ, और ऊपर से सबसे पहले इस पट्टी को अटैच कर लेते हैं ऐसे, उसके बाद हम ट्रायंगल शेप के पीस लगाएंगे। यहां तक जैसे हमने अटैच कर लिया पट्टी, अब हम नीचे की साइड ऐसे रखते हैं। यहाँ पे आपको हल्का हल्का गैप छोड़ना होता है। तीन पीस जैसे हमने यहाँ पे लगाए हैं, तीन हम यहाँ पे इतना ही गैप छोड़ देते हैं, फिर से तीन पीस यहाँ पे अटैच करेंगे। बाहर की साइड आपने ध्यान रखना है बराबर निकलने चाहिए। अब फिर से हम बराबर गैप रखेंगे और यहाँ पे तीन पीस और अटैच करेंगे।
अब हम यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे नोक बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें सेंटर पॉइंट में तीन पीस अटैच करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ तक ये कंप्लीट किए हैं, दूसरी साइड भी सेंटर में पीस अटैच करते हुए ट्रायंगल शेप के, और इस साइड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों साइड में ट्रायंगल शेप के पीस लगाते हुए ये पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से लैस को रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अटैच की थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी पूरे गले में अटैच कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताए हुए तरीके के हिसाब से इस तरीके से यहाँ पे लैस को अपनी कंप्लीट कर लिया है, और अंदर की साइड हमने बिल्कुल सीधा गोटा स्ट्रेट में लगाया है, डबल लाइन लगाई है यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्यारी सी हमारी डिजाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हमें यहाँ पे हाई नेक बनाना है, तो हाई नेक बनाने के लिए हम शोल्डर से ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर इसमें कॉलर अटैच कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट बैग हमने ज्वाइंट कर लिया है जैसे आप देख पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे बैन पट्टी देखनी है कितने इंच की अटैच करनी है, तो बैन पट्टी नापने के लिए हम इंच टेप को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखेंगे और इस प्रकार से दोनों साइड से पकड़ेंगे, एक साइड से बैक एक साइड से फ्रंट, और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से टाइट करते हुए नापेंगे, तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच तक आता है। तो 7.5 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे कॉलर कटिंग करना होता है। दोस्तों यहाँ पे कॉलर हमने कटिंग और पेस्टिंग की हुई है, तो ये हमारा 7.5 के हिसाब से हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट से इस तरीके से कट किया हुआ है। अब हमें इसको अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना होगा, जो ये नोक वाला हिस्सा होता है इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे एक पैर की सिलाई से। कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है, अब सिलाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम कट कर लेते हैं। अब हमें एक पट्टी और लेनी है सेम इसी साइज की, और इस तरीके से रखते हैं कॉलर को ऊपर की साइड, और इस पॉइंट से नोक वाले पॉइंट से हमें यहाँ पे स्टार्ट करनी है सिलाई। हल्का एक टांका जो होता है उसका गैप रखते हुए हम सिलाई की स्टार्टिंग करते हैं। बुकरम के साथ साथ हमारी सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेते हैं ऐसे। इस तरीके से कट लगा लेते हैं। अब हम बीच से ऐसे पलट लेंगे तो सीधी साइड हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। प्रेस से दोस्तों हमने अच्छे से कॉलर को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं ऐसे, और इसके बाहर एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग भी कर लेते हैं। अब हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सेंटर बनाएंगे ऐसे, और इस सेंटर में ऊपर नीचे दोनों साइड हमारे ऐसे निशान आने चाहिए। अब दोस्तों हमें ये ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ पे जो रोंग साइड होती है वो ऊपर की साइड रखती है रखते हैं। इस तरीके से रखेंगे, ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे रखते हुए हम
हल्का सा बुकरम वाला पार्ट ऊपर को उठाते हैं और यहाँ पे नोक पे सिलाई लगाते हैं। सेंटर हमारे मैच करने चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये कॉलर ज्वाइंट कर लिया है। अब ये जो मार्जिन होता है ये हमें अंदर की साइड डालना है, तो कैसे डालेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से, इस तरीके से इस पूरे मार्जिन को हम अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे डालते हुए इस साइड का भी और यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। एक साइड से हम कहीं से भी शुरुआत करेंगे सिलाई की, तो हम करते हैं यहाँ पे शोल्डर वाली जो कंधी होती है कंधी से पहले यहाँ पे रख के देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, कहीं पे कोई झोल नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे मार्जिन को अंदर डालना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से हमने सिलाई शुरुआत जैसे की थी तो दूसरी साइड हम बैन पट्टी के पास में यहाँ पे आ गए हैं नोक के ऊपर, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, तो बैन पट्टी भी हमारी यहाँ पे चढ़ के तैयार हो जाती है। अब हम बैन पट्टी को पूरा मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा यहाँ पे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग करते हुए गले को कंप्लीट किया है और कॉलर भी आप देख पा रहे हो बहुत प्यारा सा हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है कॉलर, और नीचे की यहाँ पे जैसे ट्रायंगल शेप के तीन तीन पीस लगाए हैं ये भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।